अच्छी लगी, और जो कैरेक्टर संदीप सिंह का कैरेक्टर जो प्ले किया है दिलजीत ने, वो बहुत अच्छा है, एक्टिंग अच्छी करी है। स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है, ऑफ कोर्स ये फिक्शनल स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ पे बेस्ड है, बायोपिक है। सो संदीप सिंह ने अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है, इतना जो एक इंसिडेंट के बाद उसने अपने आप से यू नो स्ट्रगल करके वापस फील्ड पे आया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में जैसे गिव अप कर देते हैं ना, बट सीइंग हिम लाइक कमिंग बैक टू द फील्ड आफ्टर सच इंसिडेंट इज अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग। सॉन्ग्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर्स भी अच्छे हैं, सूरमा का टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा है, आई लव इट। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, और सूरमा ऐसी मूवी है जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, और इसको देखने के लिए बहुत कम ऑडियंस आती है, ये बहुत दुख की बात है। अगर कोई बड़े स्टार वाली मूवी होती, कोई बड़ा ब्रांड होता सो बहुत लोग देखने आते, बट ऐसी मूवी जो देखना चाहिए वो देखने कम आते हैं, ये देख के दुख होता है। बिकॉज एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी लाइफ में सच में बहुत स्ट्रगल किया है, उसको देखना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, लाइक वो है रियल लाइफ हीरो हमारे। तापसी बनू का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका, क्योंकि उसने ही इंस्पायर किया था स्टार्टिंग में संदीप सिंह को, एंड लेटर ऑन ऑल्सो वो उसको पता है कि उसको कब क्या करना है जो उसके लिए सही है। सो एक अच्छा किरदार निभाया है तापसी बनू ने। मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा। आपको लगता है कि मतलब जो स्पोर्ट पे डिपेंड किया हुआ मूवी है, तो कितने लेवल तक नेशनल तक जाएगा ये स्पोर्ट आपको लगता है? अच्छा मूवी। अच्छा, फिल्म में सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको कौन सा लगा? तापसी का। अच्छा, तापसी फर्स्ट टाइम दिलजीत के साथ काम कर रही है, तो आपको दोनों का कंट्रोवर्सी देख के कैसा फील हो रहा है, कितना अच्छा लगा मूवी देखने के लिए? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, फिल्म में सबसे बेस्ट गाना कौन सा लगा आपको, याद है आपको गाना? सब अच्छा ही है, मोस्टली कुछ भी उसमें बुरा नहीं। अच्छा, आप दोबारा देखने चाहोगे मूवी? आपको कोई ऑफर डाले मुझे फिर से देखना जाना है मूवी, तो आप जाएंगे? तो जरूर देखेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर आप बताइए मूवी कैसी लगी? मूवी काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन, लव, बॉन्डिंग मूवी में आई गेस सब कुछ था ऑफर करने के लिए। मूवी की ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हुई है, तो मूवी हॉल आधा खाली था, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले जब मैं रेस देखने आया था तो लोग अपनी जानने के लिए तैयार मूवी देखने। मगर ऐसी मूवी जिसका स्क्रिप्ट, जिसका पूरा एम्बियंस इतना अच्छा होता है कि इट्स नॉट ओनली अ मूवी, इट इज ऑल्सो गिविंग अ मैसेज। इस मूवी के लिए लोगों के अंदर ड्राइव नहीं है, सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग पर्सनली। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। दिलजीत क्या है? देखिए, दिलजीत दोसांझ ने जो अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में उड़ता पंजाब, उन्होंने एक बार सेट किया था, उसके बाद जो पिछले 2 साल में उनकी एक दो मूवीज आई कुछ अक्सर बात थी, तो आफ्टर दैट जब फाइनली ये मूवी जो उन्होंने करी है, इसमें उन्होंने काफ़ी जस्टिफाई किया है अपना रोल, और उन्होंने फिर से दिखाया कि वो एक ए प्लस कैटेगरी के। देखिए, उनका रोल एक सिंपल सी लड़की का रोल है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा निभाया है। कहीं से आपको देख के मिलेगा कि शी इज़ अ स्टार हु हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल फॉर लास्ट 5 इयर्स। मूवी से सॉन्ग आई गेस 2 या 3 सॉन्ग्स हैं, 2 तो इंस्पिरेशनल हैं, 1 आपका रोमांटिक है, बट जितने भी सॉन्ग्स हैं अच्छे हैं, लाइक ऐसा तो कोई सॉन्ग नहीं है जो कि आप एकदम गुनगुनाते रहो, बट हाँ मूवी के दौरान जो सॉन्ग्स का मतलब एक फील है, एक एम्बियंस है, वो आपको अच्छी फीलिंग मिलेगा। बेस्ट कैरेक्टर किसका था यार? देखिए, दिलजीत दोसांझ पे पूरा फोकस है, तो ऑब्वियसली बेस्ट कैरेक्टर तो होगा, मगर जो सरप्राइज पैकेज था वो था अंगद बेदी। अंगद बेदी से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी मूवीज़ करी हैं मे बी बहुत ही सेंट्रिक नहीं हो पाई हैं, जिसमें कि वो अपना एक्टिंग दिखा पाए अच्छे तरीके से, मगर इस मूवी में जो उनने बड़े भाई का रोल किया है, आई थिंक हम बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से, तो काफ़ी अच्छा। मूवी देखने के बाद आप लोगों को सोशल मैसेज क्या देना चाहिए? ये मूवी देखने के बाद मैं ये सोशल मैसेज देना चाहूँगा, पहला तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि ये मूवी देखें, राइट, क्योंकि इस मूवी में सब कुछ है, और दूसरा इस मूवी का अपने आप में जो मैसेज है वो ये है कि
देखिए लाइफ में एवरीवन हैज अ हार्ड टाइम, एवरीवन गोस थ्रू अ बैड पैच. एट द टाइम मेरे गो थ्रू अ हार्ड टाइम, उस समय पे आप जो डिसीजन मेकिंग करते हो कि क्या करना है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके आगे की लाइफ क्या होगी. इनकी जो ज़िंदगी दिखाई है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही एवरेज, क्योंकि इन्होंने इवन हॉकी भी बहुत लेट स्टार्ट किया, मगर जो एक डिटर्मिनेशन था और वो क्यों था, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको एजेंट बनाती हैं. ठीक है, आपको लगता है हॉकी नेशनल लेवल तक जा सकता है, टॉप तक? आई थिंक देखिए स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज़ है, हर स्पोर्ट्स की अपनी वैल्यू है. वो तो डिपेंड करता है कि हम किस कंट्री में खड़े हैं. यहाँ पर क्रिकेट इज़ एट द टॉप, मैं भी क्रिकेट लवर. बट हाँ, मगर ऐसी मूवीज़ के थ्रू जब आपको वाटर स्टेडियम के बारे में जानना है तो होता है, तो दैट इज़ ऑलवेज ग्रेट. आई मीन यू फील लाइक नोइंग अ लिटिल मोर. तो वैसे भी तापसी फर्स्ट टाइम दिलजीत दोसांझ के साथ काम कर रही है, तो दोनों का कंट्रोवर्सी कैसा लगा काम? काफ़ी स्वीट सा है. आई मीन जैसे मैंने बताया कि संदीप सिंह जो रोल निभाया है, दिलजीत जो रोल निभाया है, इसलिए मतलब उसमें उनका जो हॉकी प्लेयर बनने का पूरा पर्पज़ था वो ये था ताकि उनकी तबस्सी शादी हो सके. तो जो एक उनका केमिस्ट्री दिखाया है बहुत क्यूट है, और किस तरीके से एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आप कम बैक करते हो, कैसे वो आपको ड्राइव करते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब. अच्छा, एक्चुअली मूवी ने आपको लगता क्या मैसेज दिया होगा पब्लिक को? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी मूवी है जिसको कि आप जब खुद देखोगे तो आप जो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे वो बेहतर होगा. मैं अपनी तरफ से अगर मैसेज दूँ तो ये दूंगा कि मूवी से जो मुझे मेरे ख्याल से पिकअप था मेरा, वो ये था कि ज़िंदगी में कई सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जब मुश्किल आएगी, और उस मोमेंट पे आप जब एक फर्म डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे तो जो आप उससे भी आप बेहतर बन सकते हैं. यही मूवी का यही मैसेज है. रेटिंग 4.5.